हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। यमुनानगर में एक सड़क हादसे में दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दंपति कैत गांव से बाइक पर गांव जगूड़ी के लिए निकले थे। जैसे ही दंपति मंडोली गांव के पास पहुंचे तभी तेज रफ्तार कार ने इनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी तेज थी कि दंपति बाइक से दूर जा गिरे। बाइक के परखच्चे उड़ गए और दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। कार कुछ दूरी पर खेतों में जा गिरी जबकि कार चालक मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाशी शुरू कर दी है। वो और उसकी वाइफ अपनी बहन यहाँ जगूड़ी में जाने के लिए रास्ते में जा रहे थे, तो जब मंडोली मोड़ पे गए तो वहाँ एक बड़ी तेज गति से बड़ी गफलत से वो आदमी कार को चला रहा था, तो उसने सीधी आकर के उसमें टक्कर मार दी। तो वो दोनों ही मौके पर वहीं मर गए और उनकी गाड़ी जो थी वो खेत में जाके कम से कम 50-60 फुट की दूरी में जाके गिरी। ये कार ने बहुत तेज गति की वजह से ज़्यादा मतलब गफलत की वजह से हुआ। सर्विस को हमें सूचना मिली कि रीटा देवी और करण सिंह एक्सीडेंट से लगी चोटों के कारण ब्रॉड डेड डीएच यमुनानगर अस्पताल में आए हैं। जो इस सूचना पर मैं अपनी टीम के साथ अस्पताल में पहुंचा हूं और वहां पे संबंधित के बयान लिखे गए, मुकदमा दर्ज कराया गया है और कार वाले के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया है।